हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं आज का डिवाइन संदेश क्या है आपके लिए। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आज के दिन में। व्हाट इज टुडेज डिवाइन मैसेज फॉर यू। तो इस शफल डेक से हम लेंगे एक कार्ड हमेशा की तरह, और कार्ड आया है हमारे पास द व्हील। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की ही एनर्जी है। आपको ये कहा जा रहा है गाइस कि समय है, आज अच्छा है तो कल खराब है, परसों फिर अच्छा है, उसके बाद फिर खराब है। जैसे सुख और दुख लगे रहते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से अच्छा और बुरा समय अपने साथ कुछ अलग अनुभव लेकर आता है। गाड़ी है जिसका पहिया आगे की तरफ से घूम रहा है, पीछे की तरफ और पीछे से फिर आगे की तरफ। जैसे धरती रोटेट कर रही है, हमारी अर्थ सन के चारों तरफ अपनी एक्सिस पर भी घूम ही रही है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं 24 घंटे के अंदर। तो क्या हो रहा है, चीजें साइकिल रिपीट हो रहा है। ठीक है, पृथ्वी के अकॉर्डिंगली ही इस पर रहने वाला हर मनुष्य, हर जीव की साइकिल क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ठीक है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि जब आपको ये पता ही है कि कोई भी चीज यहाँ पर फिक्स नहीं है, कोई भी चीज यहाँ पर परमानेंट नहीं है, सब कुछ तो टेम्प्रेरी है, हम टेम्प्रेरी, हमारी चीजें टेम्प्रेरी, प्रतिपल बदल रही है, कभी अच्छी कभी बेकार, तो हर एक चीज से अनुभव लेकर एक बेहतर मनुष्य बन जाइए। कोई चीज आपको ट्रिगर कर रही है, कोई रिश्ता आपको ट्रिगर कर रहा है, अपने आप को बैलेंस कीजिए कि आपको दोबारा वो गलतियां नहीं करनी है, और उसके साथ क्या, आपको हमेशा सबके साथ बैलेंस में हैंडल करना है सिचुएशंस को। कोई चीज आपके साथ अच्छी हुई है, उससे एक परसेप्शन क्रिएट कीजिए कि हर एक चीज में जो नेगेटिव है उसमें भी पॉजिटिविटी के साथ चीजों को अचीव किया जा सकता है। पॉजिटिविटी में कितनी ताकत होती है। ठीक है, लेकिन कोई माइंडसेट फिक्स नहीं करना है, कोई कंडीशन नहीं लगानी है, जस्ट गो विद द फ्लो। जैसा भगवान आपको जिस रास्ते लेकर जा रहे हैं, अब भगवान जिस रास्ते ले जा रहे हैं, और अगर सब कुछ फिक्स ही है, ठीक है, कि समय ये भी होगा फिर वो भी होगा, तो क्या हमें अपने हिस्से के कर्म नहीं करने चाहिए? बिल्कुल करने चाहिए। पन्ना तो हम ही लिखेंगे, हमें ही लिखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो हमें क्या करना है, अपने बेस्ट कर्मास करने हैं। लेकिन सोचने की चिंता नहीं करनी है, ना फ्रूट की चिंता करनी है कि क्या मिलेगा। जो मिलेगा बढ़िया मिलेगा, भगवान की मर्जी से मिलेगा। प्रकृति कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करती। बेशक हम जिंदगी भर इस चीज का रोना रोएं कि हमारे साथ ये हो गया वो हो गया, प्रकृति से पूछा जाए तो प्रकृति को पता होता है कि कौन सा मनुष्य कब कितनी बार आया, किसने क्या किया है। प्रकृति कभी भी अन्याय नहीं करती, आज तक किसी के साथ अन्याय नहीं किया, तो हमारे साथ तो जब करेगी। वो उसको भी रोटी देती है जिसकी रोटी छीनी जाती है, और उससे भी छीनती है जिसने किसी और की छीनी होती है। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि अपने सोल असेंशन पे काम कीजिए। ये देख रहे हैं व्हील, बीच में कौन है, डिवाइन। डिवाइन के हाथ में है आपके समय के चक्र को, आपके कर्मों के चक्र को परिवर्तित करना। कार्मिक चक्र की एनर्जी है। आपको क्या करना है, अपने सोल असेंशन में आना है, डिवाइन की हाइएस्ट वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट करना है। उनके हाथ में है कि कब आपकी चीजें ठीक करनी है, कब आपको सबक देना है, कब आपको पूरी चीजों से निकालना है, कब आपको रिजेक्शन फेस कराना है, कब आपको सक्सेसफुल करना है। आपका काम क्या है, अच्छे से अच्छे कर्मास को करिए, अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज विजडम को मजबूत रखिए, पक्का रखिए, जिससे किसी भी सिचुएशन में आप हार न माने। एक नॉलेज तो वो जो आपके करियर में काम आती है, और एक वो जो आपको जिंदगी जीना सिखाती है। मीन्स जो जितना ज्यादा स्पिरिचुअल होगा वो उतना ज्यादा बैलेंस होगा। ठीक है, जो जितना ज्यादा लॉजिक से चलेगा उसके पास उतनी ही चीजें क्या रहेंगी, लिमिटेड रहेंगी। अब दो तरह के लोग दुनिया में घूमते हैं, एक तो वो कि आपने किसी को खाना खिलाया और आप किसी के घर गए, उसने आपको पानी भी नहीं पूछा। आपने क्या लॉजिक लगाया, आपने क्या दिमाग लगाया प्रैक्टिकल होकर, भाई इसने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, मैंने तो उसके साथ ऐसा किया, तो मैं ही अपना वेस्ट क्यों करूं, बिकॉज आप उसमें बेनिफिट देख रहे हैं। लेकिन जब हम डिवाइन की वाइब्रेशन की बात करते हैं तो वहां पर बदला नहीं चलता। आप ये सोचेंगे फिर कि नहीं यार कोई बात नहीं, होता है, मनुष्य है, मनुष्य का काम है दूसरे मनुष्य की मदद करना, एक्सपेक्टेशन से ऊपर उठना। तो ये जो दूसरी वाली वाइब्रेशन है ना, इसी की वजह से सृष्टि चल रही है। क्योंकि भगवान कौन, भगवान क्या है, देते हैं। प्रकृति क्या है, दे रही है। जो लेगा वो सदैव लेता रहेगा, और जो देगा वो रुकेगा नहीं देने से। तो जहां लॉजिक ना काम आए, वही परमात्मा की वाइब्रेशन है, वही सबके कर्मों का हिसाब किताब लिखा जाता है। ठीक है, तो दिमाग को नेगेटिव नहीं करना है, अच्छे से अच्छे कर्मास को क्रिएट कीजिए।
जिससे आपके साथ चीजें सुधर सके, आपके कर्माज हील हो सके। क्योंकि कर्मों को काटना, कर्माज को हील करना सबसे मुश्किल काम है। आप ऐसे समझिए कि आपने 10 बुरे कर्म किए और एक अच्छा किया, लेकिन वो एक इतना मजबूत था, इतना पावरफुल एक अच्छा काम था, तो उससे एक ही बैलेंस होगा, लेकिन उसका जो रिवॉर्ड होगा वो अच्छा होगा। एक तराजू में हमारे पास 10 सिक्के रखे हैं और एक सोने का सिक्का, दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि एक की वैल्यू बहुत ज्यादा है ना। तो छोटी छोटी चीजें जहां पर हम बोलते हैं ना कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, अरे भाई सबर रखो, तुमने जो किया है तुमको बढ़कर दिया जाएगा। हर चीज इंटरेस्ट के साथ यूनिवर्स लौटाती है हमें, क्योंकि वो क्या कर रही है, हमारे वाइब्रेशंस को मिरर कर रही है। हम जो अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, वो सब लौट कर इनफाइनाइट टाइम्स हमारे ही पास आ रहा है। तो बहुत सोच समझ कर मैनिफेस्ट कीजिए, बहुत सोच समझ कर थड़ाई पर चीजें लेकर आइए, और सबसे ज्यादा ये है कि अपने आप को शांत कीजिए और लग जाइए किसी ऐसे काम में, ऐसी मेहनत में जो आपकी जिंदगी का उद्देश्य है, ठीक है। क्योंकि डिवाइन को पता है कि आपको कब और कैसे देना है। हम बोलते हैं ना कि यार इसको तो कुछ भी नहीं पता था, इसे मेरे बराबर नॉलेज नहीं थी, लेकिन इसके पास तो बड़ा पैसा है, ये तो सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ है। तो होता ये है कि उन लोगों के पूर्व जन्मों के कर्म बहुत अच्छे होते हैं, जिसकी वजह से इस जन्म में वो ऐश्वर्य और सुखों को भोगते हैं। हम खराब कर रहे हैं तो हमारे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन हमारे पास उनको सही करने की क्षमता भी है। उनके जब वो पुण्य कर्म खत्म होंगे, ठीक है, वो जो स्टोर्ड अच्छे कर्माज हैं, पुण्य कर्म हैं, वो खत्म होने के बाद अगर वो नहीं संभाल पाए तो वो जीरो हो जाएंगे, और आप तो जीरो पे ही आए हैं, तो आप तो 100 बन जाएंगे, लेकिन मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी है। तो जो सीखने की प्रक्रिया में रहता है वो हमेशा सीख कर बेहतर बनता है, और जो सीखना ही नहीं चाहता या जिसने एक माइंडसेट फिक्स कर लिया, उसे फिर कोई सिखा नहीं सकता और वो सीख नहीं सकता। लचीला बनाइए सोच को, मेहनत कीजिए, आपका रिवॉर्ड परमात्मा के पास था, है और रहेगा, और वो उसी टाइम देंगे जिस वक्त आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी। तो अपनी तरफ से कमी नहीं करना है, अपना सिलेबस पूरा रखना है, और अटेम्प्ट करिए एग्जाम को अच्छे से, क्या दिक्कत है, रिजल्ट आना बाकी है, ठीक। सो गाइज, ये थी आज की डिवाइन गाइडेंस। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।